हमने जो लेक्चर डिस्कस किया सेक्स डिटरमिनेशन का, पिछली दफा हमने उसमें डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्कस किया, बर्ड्स का सिस्टम डिस्कस किया, ह्यूमंस का किया, एनिमल्स का किया, तो जेड जेड एंड एक्स 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 वाई सिस्टम। तो आज हम इसी सेक्स डिटरमिनेशन को टॉपिक को ही फर्दर लेके चलेंगे। तो अब एक केस होता है हैप्लोडिप्लॉयडी। बेसिकली क्या होता है, इन सम इंसेक्ट्स आर्डर हिमिप्टेरा, बीज, वास्प, आंट्स, जो मींस आंट्स वाला आर्डर है जिसमें बीज आती हैं, वास्प एंड आंट्स आती हैं, उनमें कोई सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते। अब उनमें सेक्स किस पे बेस्ड कर रहा होता है, उनमें सेक्स बेस्ड कर रहा होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे, कि उनमें कितने क्रोमोसोम्स मौजूद है। लाइक ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स में से हम कहते हैं जो 44 हैं वो ऑटोसोम्स हैं, जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे फोकस होता है, उसमें कोई स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होता जो ये डिटरमिन करता है कि ये मेल है ये फीमेल है। उसमें जस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बेस पे हम डिटरमिन करते हैं कि ये मेल सेक्स, इसका सेक्स मेल है या इसका सेक्स फीमेल है। इसमें क्या होता है, जो मेल्स होते हैं वो डिवेल्प होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से, जबकि जो फीमेल हैं वो डिवेल्प होती हैं फर्टिलाइज्ड एग से। इट्स मीन कि जो मेल है वो सिंगल एन होगा, जो फीमेल है वो डबल एन होगा। इन मेल इट पोजेस ओनली अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर हैप्लॉइड इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। और वो जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो जो एक एन है, वो इनहेरिटेड भी मदर से हो रहा है, फादर से नहीं हो रहा। वाइल इन कंट्रास्ट अगर हम बात करते हैं, जो फीमेल्स हैं सेल, उसमें दोनों ही सेट होते हैं और एक एक सेट मदर से आ रहा होता है और दूसरा सेट फादर से आ रहा होता है। लाइक हेयर इज द फीमेल, टू एन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ व्हेन मियोसिस टेक प्लेस, एग एंड एग आर प्रोड्यूस, व्हाइल हेयर मेल इन एन द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। द स्पर्म एंड एग आर व्हेन फर्टिलाइज्ड विद ईच अदर दे प्रोड्यूस अ फीमेल, व्हाइल द एन व्हेन दिस एन इज नॉट फर्टिलाइज्ड दे प्रोड्यूस अ मेल व्हिच इज ओनली एन जाइगोट, सिंगल एन, व्हाइल द फीमेल हैज द टू एन और द डिप्लॉइड। So, haploidiploidy is basically a condition in which a sex is determined on the basis of the number of the chromosomes, not the presence of a certain type of chromosomes like in human male X and Y chromosomes and a human female XX chromosomes. So, there is some kind of inheritance, sex linked, sex limited, and sex influenced. So, first of all, it's a sex linked inheritance. This is the characteristics. These are determined by the genes which are located on the sex chromosome. Genes on the X chromosome determine the X linked characteristics, while the genes present on the Y chromosome determine the Y-linked characteristics. Because a little genetic information exists on the Y chromosomes due to its small size, and the most sex-linked characteristics are X-linked characteristics. Basically, sex-linked inheritance is the inheritance which is based on the basically the knowledge of that characteristics or which whose genes are present on the sex chromosomes like the X or the Y in case of the humans. For example, क्या है color blindness in man में sex linked trait है। color blindness की जो genes हैं वो present होते हैं X chromosome पे और ये एक recessive trait है। अब woman में एक woman को color blindness होने के लिए दोनों रिसेसिव ट्रेट्स की जरूरत है, एक होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स की, जबकि जो मेल है वो एक सिंगल एक्स से ही कलर ब्लाइंड शो हो जाता है। तो इसकी रीजन बेसिकली ये है कि ये जो ट्रेट है ये सेक्स लिंक ट्रेट है।
इसी तरह हीमोफेलिया जो ब्लड क्लॉटिंग ऑफ सिस्टम होता है, दिस इज आल्सो अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स. देन देयर आर सम काइंड ऑफ सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स. सो द सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स आर बेसिकली ऑटोसोमल ट्रेट्स, विच मींस दे आर नॉट फाउंड ऑन द एक्स ओर द क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन ओनली वन जेंडर. इट्स नेम मेंशन एज द लिमिटेड ट्रेट्स. लिमिटेड मीन्स कि ये इनकी एक लिमिट है. लिमिट्स क्या है कि आइदर तो वो मेल में है आइदर वो फीमेल में है. तो हम ये कह सकते हैं लाइक द प्रोडक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इन मेल इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स. और एनीथिंग another example is the production of the beard in male and no beard in female is also a sex limited traits, means this traits is only influenced by the sex, either this is present in male or either this is present in female, which means these traits are limited to one sex. There is some example of sex limited traits. This is a pattern of expression which is limited to only the one sex. Both the sexes carry the genes for such traits, but they are expressed only in just one sex. Like the mammary gland or the milk production in males, females. Then there is another example which is the sex influence traits. Sex influence traits is basically what is? These are the traits which are also autosomal. This is the similar to sex limited traits, but meaning that the genes are not carried on the sex chromosomes. They are expressed in both sexes, but more frequently in one other than in one than in other sex. Okay, means ki ye aise traits hain jo hain to autosomal hi. लेकिन लिमिट है एक सेक्स में. जो लिमिटेड ट्रेट्स हैं वो तो आइदर मेल में प्रेजेंट हैं या आइदर फीमेल पे प्रेजेंट हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंस ट्रेट्स हैं वो दोनों में ही प्रेजेंट हैं, लेकिन वो किसी एक में किसी एक सेक्स में वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रहे हैं अदर देन सेकेंड सेक्स. लाइक द बाल्डनेस और द In case of baldness, you usually observe the baldness in male, not in female. Usually means 90% plus. So, baldness comes in males rather than the female. It means males are more balded than the females. This is due to the baldness is a sex-influenced trait. When we discuss this in example, here was a female non-bald, this cross with a bald man. Okay, so they produce the four babies, both are heterozygous. Capital B, this is bald. Why? Because this controlled by the dominant gene. While in this case, Small B, this is also bald. Then again, this is capital B, small b, this is also bald. Then this is small b, this is non-bald. Here you usually observe that in this case, the these males are produced. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In this 6th case, 3 male and 3 females are here. But in case of males, there is a 2-1 ratio, means 2 are bald and 1 are non-bald. While in case of females, there is a 2-1-2 ratio, means 1 is balded and the 2 are non-bald. So, you said that the capital B gene is compulsory for baldness, but a male is balded when these are in heterozygous condition also, but
फीमेल इज बाल्डेड व्हेन दिस एयर प्रेजेंट इन ओनली होमोजाइगस कंडीशन. एक्चुअली दिस इज द डिफरेंस. इन केस ऑफ फीमेल द बाल्डनेस कम्स when the dominant gene is present in homozygous condition like this one. But in case of male, the homozygous capital B and also heterozygous B both leads to balded male. There is a example for the actual difference between sex limited sex influenced traits. The similarity is both are encoded by genes on autosomes. When we talk about their expression, sex limited traits expressed in only one sex, while sex influenced traits expressed in different way in different sex. Secondary sexual or characteristics, this is like early baldness as an autosomal dominant trait in the man. That's all for today's lecture, sex determination. If you have any question related to sex limited, sex influenced and sex linked traits, please ask.